राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। दांतों की सफाई। ऋषि के दांत में बहुत दर्द हो रहा था। वो पाठशाला भी नहीं जा सका। ऋषि की माँ उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ऋषि के दांतों को देखा। मुंह खोलो बेटा और थोड़ा। शाबाश। वे बोले, ऋषि बेटा, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। क्या तुम रोज दांत साफ नहीं करते? ऋषि चुप रहा। माँ बोली, हाँ डॉक्टर साहब, ये रोज दांत साफ नहीं करता, बहुत कहने पर ही दांत साफ करता है। डॉक्टर ने कहा, इसके दांत को कीड़ा लग गया है। मैं अभी दवा लगा देता हूँ, दवा से दर्द कम हो जाएगा। मुंह खोलो बेटा, आराम से लगाता हूँ। शाबाश। पर आप ध्यान रखिएगा, ये रोज 2 बार दांत अवश्य साफ करें। माँ बोली, 2 बार? डॉक्टर दवा लगाते हुए बोले, जी हाँ, दांत 2 बार ही साफ करने चाहिए। एक बार सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। बुरुश या दातुन से दांत साफ करवाइए। ऋषि को दूध भी खूब दीजिए। दूध पीना दांतों के लिए अच्छा है। ऋषि बोल उठा, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 2 बार दांत साफ करूंगा। हाँ? और दूध भी पिया करूंगा। फिर तो मुझे दर्द नहीं होगा। डॉक्टर बोले, नहीं, फिर तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होगा। दांत साफ रखने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। कीड़ा दांतों को खोखला कर देता है। लो, ये लो दवा, दांत साफ करते समय पानी में डाल लेना। जी। ऋषि जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा, सुनो ऋषि, एक बात का और ध्यान रखना, दांतों को मजबूत बनाने के लिए सब्जियां और फल खाना बहुत जरूरी है। इससे दांतों की कसरत होती है और दांत साफ रहते हैं। जी। माँ बोली, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। मैं इसे फल और सब्जियां खाने को दिया करूंगी। दवा लगाने से ऋषि के दांत का दर्द कुछ ठीक हो गया था। वो खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। Thank you.
दांतों की सफाई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार राखी जैन, दिनेश वर्मा, गौरी वर्मा और आशीष। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।